साउथ दिल्ली इलाके में बदमाश वारदात करने में नई से नई तरकीब लगाते रहते हैं। इसी तरह के एक अजीबोगरीब मामले में मालवीय नगर इलाके में दो बंदरों की मदद से कथित तौर पर एक वकील को लूट लिया गया। वकील पर बंदर छोड़कर उनसे तीन लुटेरों ने 6,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामले में दो आरोपित बदमाशों बलवान नाथ और विक्रम नाथ को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपितों के एक अन्य साथी की तलाश कर रही है। हालांकि घटना पिछले महीने 2 मार्च को हुई, लेकिन इस मामले में पुलिस को अब जाकर सफलता हाथ लगी। मामले में दो मुलजिमों को दो बंदरों के साथ पकड़ा गया है, तीसरे की तलाश की जा रही है। इनसे बरामद बंदरों को वाइल्ड लाइफ विभाग को सौंप दिया गया है। दक्षिणी जिले के पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि 2 मार्च को पुलिस टीम को फोन कॉल द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोगों ने बंदर छोड़कर 6,000 रुपए लूट लिए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को पीड़ित ने बताया कि वो एक वकील है और खिड़की एक्सटेंशन में रहता है। वो अपने घर जाने के लिए ऑटो में बैठा था। इस दौरान ऑटो में दो अन्य व्यक्ति बैठे आकर जिनके पास बंदर थे, तो ऑटो में बैठने के बाद बदमाशों ने उस पर बंदर छोड़ने की धमकी देकर लूट करने का प्रयास करने लगे। बंदर के काटने के डर से युवक ने उन्हें अपना पर्स निकाल कर दे दिया। इसके बाद युवक मौके से फरार हो गए। घटना में बंदरों की संलिप्तता देखकर पुलिस टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने अपने स्तर पर इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरे और अन्य तफ्तीश की, लेकिन इनका कुछ पता नहीं लगा। इसी दौरान 8 अप्रैल को इस गैंग के बारे में सूचना मिली कि यह लोग चिराग दिल्ली बस स्टैंड पर बंदर लेकर लोगों का मजमा लगा रहे हैं। लूट में यही लोग शामिल हो सकते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने इनमें से दो को पकड़ लिया। पुलिस घटना में शामिल एक अन्य आरोपित अजय की तलाश कर रही है। तफ्तीश में यही लोग वकील से लूट मामले में शामिल पाए गए। मामले में जांच की जा रही है कि इस तरह से इन्होंने और कितने लोगों को लूटा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपित युवक खेल दिखाने के लिए करीब 3 माह पहले तुगलकाबाद के जंगलों से बंदर पकड़ लाए थे और उन्हें ट्रेन कर रहे थे। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण कानून के उल्लंघन की धाराएं लगाई हैं। पुलिस आरोपितों के अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।